आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया में आधुनिक सुविधाओं से लैस एक लॉन्ड्री का उद्घाटन हुआ है, जहां पटना दिल्ली जैसे बड़े शहरों के तर्ज पर आधुनिक सुविधा आप तक पहुंचाए जाएंगे। फैब्रिक क्लीन लॉन्ड्री सर्विसेज नाम से खुले इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका ने अपने हाथ से फीता काट कर किया। इस मौके पर भागलपुर की पूर्व महापौर प्रीति शेखर भी पहुंची, साथ ही साथ बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध जन, महिलाएं और आम जनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सबने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रतिष्ठान की विधिवत शुरुआत की। मौजूद लोगों ने इस लॉन्ड्री के खुलने पर काफी खुशी जाहिर की है और कहा है कि पूर्णिया भी अब बड़े शहर की तर्ज पर विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ अति आधुनिक सुविधाओं से लैस व तमाम सुविधाएं मिलेंगी जो पटना दिल्ली जैसे बड़े शहरों में है। विधायक विजय खेमका ने इस मौके पर कहा कि यह पूर्णिया की उपलब्धि है, हम इसे पूर्णिया बिहार की उपलब्धियों से जोड़कर ही देखते हैं और आने वाले दिनों में पूर्णिया बिहार की उपराजधानी बनेगी। बताया जा रहा है कि इस लॉन्ड्री को आगे चलकर औद्योगिक क्षेत्र बियाडा में बनाया जाएगा, जिसके लिए प्रतिष्ठान को जो भी आवश्यकता पड़ेगी विधायक की पहल से करवाने के लिए वो तत्पर रहेंगे। विजय खेमका ने कहा कि इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस मौके पर भागलपुर से आए पूर्व महापौर प्रीति शेखर ने कहा कि युवा वर्ग अब रोजगार मांगते नहीं बल्कि रोजगार पैदा करते हैं, जिसका नतीजा है कि आज पूर्णिया जैसे शहरों में लगातार एक के बाद एक बड़े फर्म खुलने शुरू हो गए हैं, जो देश और समाज के लिए एक अच्छी पहल है। कह सकते हैं कि पूर्णिया अब आत्मनिर्भर बन रहा है। देखिए आज फैब्रिक लॉन्ड्री है, ये इसका अभी अभी उद्घाटन जो है इस परिवार के सारे सदस्यों के साथ मैंने मिलकर अभी अभी किया है। पूर्णिया पटना की ओर बढ़ रहा है, जिस तरह आधुनिक सुविधाओं से लेस हमारा राजधानी है पटना, उसी तरह पूर्णिया जो है लगातार पटना की ओर बढ़ रहा है। हर आधुनिक सुविधा पूर्णिया में अब यहाँ के निवासी को उपलब्ध हो रही है और आज उसमें एक ये आधुनिक तकनीक से कपड़े की धुलाई करने वाले ये जो फैब्रिक क्लीन लॉन्ड्री है, इसका भी आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। मैं इस फैब्रिक क्लीन लॉन्ड्री के परिवार के सदस्यों को शुभकामना देता हूँ, अपनी मंगल कामना देता हूँ कि ये लॉन्ड्री सेवा करने में अग्रणी भूमिका निभावे। और जो मुझे अभी बताया गया कि इसको प्यूरिफाई वाटर से इस कपड़े की धुलाई होगी, जो यहाँ कपड़ा धुलाने के लिए देंगे, और उसके बाद जो आधुनिक तकनीक की जो मशीन है उसमें लगभग एक घंटे में 24 किलो, एक मशीन 12 किलो, दूसरी मशीन 12 किलो, 24 किलो प्रति घंटा इसमें कपड़े की सफाई होगी, उसकी धुलाई होगी, उसकी सुखाई होगी और उसके बाद उसको आधुनिक मशीन से आयरन भी किया जाएगा, जैसा कि अभी हमने देखा, इन्होंने दिखलाया और उसको फंक्शनल करके भी हम लोगों ने भी देखा। तो ये एक उपलब्धि है, एक नई चीज़ पूर्णिया में आई है। और मैंने पूछा भी इनसे, इन्होंने बताया है कि इसमें 4-5 लोग इसमें कार्यरत भी होंगे कर्मचारी के रूप में, तो बेरोजगारी भी दूर होगी। और दूसरा, इसके बाद आगे इनकी योजना है कि इसकी कैपेसिटी को हम लोग बढ़ा करके बियाडा में ले जाएं, जो बियाडा हमारा उद्यमी क्षेत्र है और ये भी एक उद्योग है और इस उद्योग से और भी लोग जुटेंगे। मैंने इनसे पूछा कि जब इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो इसमें और पूर्णिया के लोग कार्यरत होंगे कि नहीं होंगे, तो इन्होंने कहा कि इस शहर के या अगल बगल के जो भी लॉन्ड्री से जुड़े हुए लोग हैं वो अपना कपड़ा अगर यहाँ लाकर देते हैं तो सही समय पर उनको जो है ये कपड़ा वापस करेंगे। और लॉन्ड्री वर्क से जुड़े हुए हमारे जो भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, उनको भी धुलाई का काम छोड़ करके सीधे लेना और देना, मने कपड़ा रिसीव करना और डिलीवरी करना, ये काम उनके साथ रहेगा। उससे उनका उपार्जन होगा, रोजगार जो है वो आधुनिक होगा। इसलिए आज के दिन मैं इस आधुनिक तकनीक के लॉन्ड्री को आगे बढ़ने के लिए अपनी मंगल शुभकामना देता हूँ। और रितेश जी हैं, उनकी माता जी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, सारे लोग मिल करके ये नई चीज़ सोचे, यहाँ खुला है और ये शहर के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूर्णिया में दिन प्रतिदिन आधुनिक मशीनों से लेस
आधुनिक तकनीक से लैस ऐसी सुविधा युक्त चीज़ें खुल रही है, चाहे वो खाने के क्षेत्र में हो या पकाने के क्षेत्र में हो या पहनने के क्षेत्र में हो या ब्रांडेड कपड़ा हो या फैशन के क्षेत्र में हो, हमारा पूर्णिया बढ़ रहा है। इसलिए कि सबका साथ पूर्णिया का विकास, पूर्णिया आगे बढ़ रहा है। आप कह रहे लगातार पटना की ओर जा रहे हैं, अच्छी बात है, शुभकामनाएं दी। सरकार इन्हें क्या कर रही है, सरकार की तरफ से ऐसी कौन सी नहीं, सरकार इन्हें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, सरकार तो सुविधा दे ही रही है। हमने तो कहा 19 लाख लोगों को NDA की सरकार रोजगार देगी, ये खुला है तो इसमें रोजगार मिलेगा। दूसरा बैंक से जो भी इनको सुविधा चाहिए वो मिलेगी। ब्याडा में जो इन्होंने कहा कि हम वहाँ पर भूमि लिए हैं वो सरकार इनको दी है, इसलिए सरकार जो भी हमारे ऐसे व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के क्षेत्र में जो उनकी योजना है सरकार की, उस योजना के तहत हम उनको योगदान कर रहे हैं। और जहाँ भी कठिनाई होगी एक विधायक के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में, इनकी कठिनाइयों को मैं दूर किया हूँ, कर रहा हूँ, करता रहूँ। मैं सबसे पहले इस आधुनिक तरीके से कपड़े की धुलाई के लिए जो फैब्रिक क्लीन लॉन्ड्री का शुभारंभ रितेश जी ने पूर्णिया में किया है, उसके लिए मैं रितेश जी को बहुत सारी बधाई देती हूँ। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज हर युवाओं से यही अपेक्षा की जाती है कि वो नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले। निश्चित रूप से यहाँ जो उन्होंने लॉन्ड्री की शुरुआत की है इसमें युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, कई लोग इससे जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इससे लोगों को कम समय में और इफेक्टिव धुलाई यहाँ से वो प्राप्त करेंगे, तो कम समय में अच्छी सेवा अगर किन्हीं को चाहिए तो यहाँ से उनको उपलब्ध होगी। तो इस बात से हमें लगता है कि पूर्णिया के लिए ये एक इस क्षेत्र में एक मिसाल कायम करेगा। और रितेश जी युवा व्यवसायी हैं, पहले भी उन्होंने कई व्यवसाय को प्रारंभ किया है और उनसे युवा और प्रेरित हों और अपने ऊपर मतलब आत्मनिर्भर बनने की ओर वो अपने कदम बढ़ाएं, इस बात की मैं बधाई देती हूँ। मैं उनके पूरे परिवार के सदस्यों को भी बहुत बधाई देती हूँ कि पूर्णिया शहर का जो है विकास की तरफ बढ़ते कदम है। हर विकास की लकीरें जो है सिर्फ सरकारें नहीं तय करती हैं, सिर्फ सरकारें नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि आम नागरिकों की भी यह जवाबदेही होती है कि हम उस पर अपने कदम को आगे बढ़ाएं, उनके साथ चलाएं। तो इसके लिए रितेश जी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया।